ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम से हर कोई परेशान होता है, और ब्लैक हेड्स हो ही जाते हैं, कितना भी हम केयर करें ब्लैक हेड्स स्किन पे हो ही जाते हैं, स्पेशली नोज पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। और जब इसको निकालो ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पार्लर में भी निकलवाओगे तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसीलिए मैंने एक मशीन परचेज़ की जो होती है डर्मा सक्शन मशीन, जिससे कि आप बिना पेन के ही ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हो। तो ये मशीन मैंने परचेज़ की, इसको यूज़ करके देखा, तो इसी का आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कि क्या आपको भी ये लेनी चाहिए और कैसे काम करती है, सच में ब्लैक हेड्स निकलते हैं या नहीं। आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। तो ये है डर्मा सक्शन मशीन, जो कि वैक्यूम से आपकी स्किन पे जो भी ऑयल, डर्ट होती है, गंदगी होती है, उसको खींचता है, उसको रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड स्किन, उसको भी रिमूव करता है, और आपको कोई भी पेन नहीं होगा, और ये सारी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो भी गंदगी है उसको रिमूव कर देगा। ये 4-in-1 है, मतलब 4 नोजल्स दी हुई हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और आपको जहाँ भी करना है, जैसे अगर आप अपने फेस, पूरे फेस पे करना चाहते हो तो अलग नोज़ल है, नोज़ पे करना चाहते हो अलग नोज़ल है, तो ऐसे इन्होंने 4 नोज़ल्स दी हुई हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके नोज़ल्स को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, और ये नीचे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ऊपर से आप इसको नोज़ल्स को चेंज कर सकते हैं, और जो भी गंदगी होती है वो अंदर नोज़ल में ही आ जाती है, और आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो, साफ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 4 नोज़ल्स हैं। तो ये मशीन तो देख ली, अब इसको ज़रा यूज़ करके भी देख लेते हैं कि ये सच में काम करता भी है या नहीं। तो जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो आवाज़ भी आएगी, और ये ऐसे वैक्यूम करके आपकी जो भी गंदगी उसको खींचता है। एक जगह पे आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, बार 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 एक ही जगह पे नहीं करना है। मैंने किया तो मेरी स्किन रेड हो गई, पर जो भी रेडनेस हुई थी वो 1-2 घंटे में नॉर्मल हो गया, पर स्किन रेड हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा तेज करेंगे तो आपको पेन भी होगा, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है। अगर आपको पिंपल वगैरह हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पिंपल पर कर लेते हो तो वो पूरा आपके पिंपल को सक कर लेगा और दाग छोड़ देगा। तो इसलिए जहाँ भी आपको पिंपल हो, दाग धब्बे हो, वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं करें। आप नोज के साइड में देख सकते हो मुझे काफ़ी रेडनेस हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं एक जगह पर कई बार कर रही थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो आप बिल्कुल इसको हल्के हाथों से करें, एक जगह बार बार बिल्कुल भी ना करें। और तो ये कुछ ऐसे आपको यूज़ करना है, और अगर रेडनेस हो भी जाती है तो आप अपने स्किन पे आइसिंग कर लें, जिससे कि वो चली जाएगी, ज़्यादा देर तक रेडनेस नहीं रहेगी। तो देखा आपने इसको यूज़ करना कितना आसान था, यूज़ करना आसान है, और आप इसको परचेज़ करना भी चाहते हो तो ईज़िली अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी स्किन पे इसने कैसे काम किया। तो मैंने ये जो मशीन है इसलिए ली थी क्योंकि पार्लर जाके निकलवाने में या घर पर जब मैं निकालती हूँ तो मुझे पेन होता है और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो ही जाती है, कितना भी केयर करो हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मंगवा के देखते हैं। उसके पहले मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर रिव्यूज़ भी देखे थे, और मेरा बड़ा मन था कि जब मैं भी रिव्यू करूँगी तो पूरी डर्ट और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आपको दिखाऊँगी कि देखिए ये सारे निकले हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑयल को ये रिमूव करता है, हल्का सा आपको लगेगा कि वाइट हेड्स भी निकाले हैं, पर ब्लैक हेड्स बिल्कुल नहीं निकालते, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करता है ब्लैक हेड्स पर। और ऐसा भी नहीं है कि इसको यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा, आपकी स्किन बिल्कुल, मतलब आप बिफ़ोर आफ्टर बता सको किसी को कि देखो पहले इतना ब्लैक हेड्स था और गंदगी थी और अब ऐसा है, तो ऐसा ये कुछ भी काम नहीं करता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैं ये भी देखा है कि एक जो प्रोसीजर होता है, एक ट्रीटमेंट टाइप का होता है, माइक्रोडर्मा प्रेसन, ये उसके जैसे काम करता है। तो मैं वो ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, पर इसको करने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मुझे लगा कि मैंने अपने 300-400 रुपये वेस्ट कर दिए, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ था इसको यूज़ करने का वो ये था कि मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएं, और ब्लैक हेड्स क्या है, काफ़ी अंदर होते हैं आपकी स्किन पे, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये उससे नहीं निकलते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करता है ब्लैक हेड्स पे, वाइट हेड्स पे करेगा। आपको डर्ट भी दिखेगी, आपको डेड स्किन भी दिखेगी, आपको ऑयल भी दिखेगा कि हाँ ये ऑयल को भी
पुल करता है, क्योंकि ये वैक्यूम करता है तो ये सारी चीज़ें तो बाहर आ जाती हैं, पर ब्लैक हेड्स बाहर नहीं आते हैं। तो अगर आप अपने वाइट हेड्स को, गंदगी को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसको परचेज़ कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स नहीं निकलते हैं। मैंने एक बार विदाउट स्टीम के ये ट्राई किया, इसके बाद मैंने स्टीम करने के बाद भी इसको यूज़ किया, पर ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जैसा मैं चाहती थी। तो मुझे तो ये उतना पसंद नहीं आया, फिर भी आप एक बार इसको ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।